नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो नेगेटिव था, मार्केट ने आज उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट एक रेड जोन में क्लोज हुई। और कई बार हमने देखा है कि जब जो ये अंडरग्राउंड मनी फ्लो बनता है उस दिन शायद फॉलो ना हो जब ये पहली बार बनता है, लेकिन उसके अगले दिन ज़रूर फॉलो होता है। तो यहाँ पे 14 दिसंबर को बना था नेगेटिव मनी फ्लो, लेकिन उस दिन फॉलो नहीं हुआ। लेकिन जो फ्राइडे को सजेस्ट किया जा रहा था कि मंडे के लिए जो मनी फ्लो है अंडरग्राउंड नेगेटिव है, मार्केट ने आज उसको रिस्पेक्ट किया। तो मार्केट ओपन होते ही एक बार रेड जोन में गई, फिर बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ गई। हमारा आज का जो न्यूट्रल पॉइंट था 21410 था। मार्केट ने न्यूट्रल पॉइंट से संबंधित सभी रूल्स को फॉलो किया, तो मार्केट बहुत तेज़ी से एक बार ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन फिर उसी तेजी के साथ नीचे आई। बेसिकली नीचे आने का कारण ये था कि यहाँ पे किसी की शायद बस छूट गई थी, तो किसी ने लॉन्ग पोजीशन लेनी थी लेकिन वो ले नहीं पाया। तो यहाँ पे 9:35 पे वापस मार्केट नीचे की तरफ आई, 21410 को टच किया। पहली बार मार्केट न्यूट्रल पॉइंट से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गई, लेकिन वापस इसको टेस्ट करने आई। तो जैसे कि आप ये एरो वाली कैंडल से देख सकते हैं जो कि 9:35 की कैंडल है, तो यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से टच किया न्यूट्रल पॉइंट को और हमारा इंट्राडे मनी फ्लो उस समय जो था वो पॉजिटिव था। तो पहला मूव बेस्ट मूव होता है 9:35 पे। न्यूट्रल पॉइंट 21410 था, मनी फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो रूल्स के मुताबिक मार्केट ने अपना जो एक 60 पॉइंट का सफ़र है उसको तय किया। मार्केट यहाँ से लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन होती रही, वापस मार्केट नीचे आई। यहाँ पे मार्केट जो है फिर न्यूट्रल पॉइंट के आसपास कंसोलिडेट होती रही। यहाँ पे मार्केट ने न्यूट्रल पॉइंट पे सपोर्ट लिया, जैसा कि आप इस कैंडल पे देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही रही, मार्केट न्यूट्रल पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाई, उसके नीचे नहीं जा पाई। तो मनी फ्लो के अगर आपने सारे रूल्स पढ़े हुए हैं तो मार्केट ने जो है न्यूट्रल पॉइंट को रिस्पेक्ट किया और उसके आसपास ही कंसोलिडेशन होती रही। तो ये सब जो रूल्स हैं इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ों को समझने में जो है आसानी रहेगी। तो मार्केट इसके नीचे नहीं गई और जो मनी फ्लो जिस बड़े प्लेयर की वजह से पॉजिटिव था उसने मार्केट को न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर ही रखने की कोशिश करी। अगर हम कैश की बात करें तो FIIs, DIIs की तरफ से कोई खास बड़ी एक्टिविटी नहीं थी आज मार्केट में। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में हैवीवेट्स में रिलायंस था, और नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स के अंदर आप ICICI बैंक या IT के स्टॉक्स देख सकते हैं। तो कैश का जो मनी फ्लो था वो पॉजिटिव था। दोस्तों एक और खास बात, एक्चुअली जो मेरा ये ऑफिस का लैपटॉप है वो क्रैश हो चुका है जिसमें मेरा सारा डेटा था, तो इसलिए जो लास्ट ये एक्सेल फाइल मेरे पास बैकअप अवेलेबल था 27 अक्टूबर का था, तो बीच का डेटा सारा उड़ गया यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ रिट्रीव करने की हार्ड डिस्क को, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो कि हार्ड डिस्क जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है अगर वो क्रैश हो जाए तो उसको कैसे रिट्रीव किया जाए, कैसे रिकवर किया जाए, तो मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो अभी तो मुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये जो एक्सेल शीट है इसका इस्तेमाल मैं केवल जो है अपने वीडियो के लिए ही करता हूँ। बाकी मेरा सारा डेटा सेफ है जो कि सर्वर पे रहता है, लेकिन इस लैपटॉप पे जो मेरा पर्सनल डेटा या जो ये एक्सेल शीट्स वगैरह जो वीडियो से संबंधित फाइल्स हैं वो इसी लैपटॉप पे थी जो क्रैश हो गया, बेसिकली जिसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। तो इसलिए 27 अक्टूबर के बाद अगला डेटा 18 दिसंबर का है, लेकिन मैंने आप 15 दिसंबर का डेटा डाल दिया है। तो बड़े प्लेयर्स एक्टिव थे, 15 दिसंबर को 230 थी ये रेशो, आज जो है 183 हो गई। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के द्वारा कैश में बाइंग भी देखने को
मिली। तो जो समस्या कैश वाले डेटा में है वो यहाँ पे डी टू सी रेशियो में भी है, लेकिन 15 दिसंबर का डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो डेरिवेटिव्स आज मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, कैश मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शंस, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो स्लाइटली पॉजिटिव था। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखी गई, जैसा कि क्लाइंट्स की जो शॉर्ट पोजीशंस बनती है वो बेसिकली मार्केट को सपोर्ट करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ उसके साथ साथ लॉन्ग पोजीशंस भी क्लोज की गई। तो शायद यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस में प्रॉफिट बुक किया गया, शॉर्ट पोजीशंस मार्केट की सपोर्ट के लिए थी, लेकिन नेट बेसिस पे यहाँ पे कैश का जो फ्यूचर इंडेक्स का जो मनी फ्लो है वो स्लाइटली पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोजीशंस क्लोज की गई इसलिए हम इसको न्यूट्रल संकेत मानेंगे। दोस्तों वो हार्ड डिस्क क्रैश होने की वजह से यहाँ पे क्लोजिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है, वो 4 अक्टूबर का लास्ट डेटा है, लेकिन ये टेबल मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है पिछले वीडियो को देख के। तो बड़े प्लेयर्स की जो एफआई है, इसकी पोजीशन है, उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मैंने डेट्स अपडेट नहीं किए हैं, डेट्स मैं अपडेट कर दूंगा, एक्चुअली वीडियो बनाना था तो इसलिए थोड़े लेट हो रहे थे। तो ये डेट्स अभी आप इग्नोर करिए आज की वीडियो में, इसको मैं वीडियो के बाद अपडेट कर दूंगा किस डेट को ये पोजीशंस बनी, लेकिन ये सारा डेटा ठीक है। तो ये मैं शीट जो है अपडेट कर दूंगा, डेट्स के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हमें देखने को मिली, क्योंकि मार्केट रेड जोन में क्लोज हुई, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा करता है। तो इसका कलर जो है उसको हम यहाँ रेड कर देते हैं, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे बात करें तो कैश का जो मनी फ्लो था पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल है, तो सरफेस मनी फ्लो हमें एक न्यूट्रल संकेत दे रहा है। एफआईआईज की बात करें, कैश में कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस में मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं, तो एफआईआईज का ओपिनियन भी हमें न्यूट्रल संकेत दे रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है, तो उम्मीद है कि मार्केट कल भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।